हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक यूनिक टाइप की सीक्रेट। तो आज मैं अनार का जूस बना रही हूँ। अधिकांश देखा होगा आपने कि बच्चे जूस नहीं पीते हैं, और हम अगर मिक्सर में ये अनार का जूस बनाते हैं तो इसका दाना भी उसके साथ पीस जाता है, जिसकी वजह से अनार का जूस थोड़ा थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो आज हम दूसरी ट्रिक से अनार का जूस बनाएंगे। तो हम इस तरीके की एक पन्नी ले लेंगे जिप लॉक की, जिसमें जिप लगा हो, ठीक है। तो इसमें हम बनाएंगे जूस। इससे क्या होगा कि जूस भी बन जाएगा और ये जो दाना है ये भी नहीं पिसेगा, तो इससे जूस कड़वा नहीं होगा, तो इससे बच्चे आसानी से पी लेंगे। तो मैं जूस बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ, देखिए मैं अभी बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो आप ये पन्नी को इस तरीके से अच्छे से जीप इसकी लॉक कर दीजिए, ये देखिए ये जीप लॉक हो गई है। अब आप कोई सभी, मैं अभी बेलन से इसको चारों तरफ से इस तरीके से आप दबाएं, तो जूस अलग हो जाएगा और गुठलियाँ अलग हो जाएंगी, इसके जो दाने हैं वो अलग हो जाएंगे। तो आप इस ट्रिक को अपनाएं, देखिए आपके बच्चे जरूर जूस पिएंगे। जूस बहुत ही फायदेमंद होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ही। ये देखिए अभी जूस आ गया है इसमें। अब हम इसको छन्नी से छानेंगे कप में। तो आप एक सीजर ले लें, ऐसे साइड में छोटा सा कट लगाएं, ये देखिए सारा जूस बाहर आ जाएगा और गुठलियाँ पन्नी के अंदर ही रहेंगी, जो भी निकलेंगी वो भी छन्नी में ही रह जाएंगी। तो जूस अलग हो गया है और गुठलियाँ अलग हो गई हैं। सारा जूस निकाल लिया मैंने, अभी मैंने बच्चे को दिया है अपने, अभी वो जूस इंजॉय कर रहा है। तो आप भी इस ट्रिक से बनाएं तो आपके भी बच्चे ज़रूर पियेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।